वेजाइना शब्द लैटिन मूल से आता है। इसका अर्थ है एक तलवार की म्यान दो योनि छल्लों जैसी आकृति युक्त नलिका होती है। ये छल्ले वाले लकीरें सेक्स या प्रसव के दौरान योनि को फैलने में मदद करती है। यह संभोग या प्रसव के दौरान 200% तक फैल सकती है। 3 योनि की पेशियां काफी मजबूत होती है और यह किसी चीज पर प्रभावी शिकंजा कस सकती है। 4 शायद आप नहीं जानते हैं, योनि स्वयं खुद को साफ सुथरा भी कर लेती है। योनि का मास एक प्राकृतिक स्राव, प्रकृति ने इसे स्वच्छ रखने के लिए बनाया है। 5 सभी महिलाओं की भगनासा अलग तरह की साइज और आकार में काफी भिन्न हो सकती हैं। कुछ बड़ी छोटी फैली हुई हो सकती है, लेकिन सभी एक ही काम यानी उत्तेजित करने के लिए ही काम आती है। 6 जब महिला 30 वर्ष की हो जाती है तो योनि एक किशोरी के मुकाबले 2 गुना बड़ी हो जाती है और जन्म के समय से राजयोनि वृद्धि पर पहुंचने तक यह 7 गुना बढ़ जाती है। 7 क्लाइटोरिस यानी भगनासा और योनि द्वार में जितना कम अंतराल होगा काम उत्तेजना उतनी ज्यादा होगी। 8 क्लाइटोरिस यानी भगनासा को संभोग का सुख प्राप्त करने में 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच का समय चाहिए। हालांकि यह एक महिला पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक संभोग की अवधि को बढ़ा सकती है। 9 प्रत्येक महिला की योनि अलग अलग होती है। एक परिपक्व महिला में बिना उत्तेजक योनि औसतन 2.5 इंच से 3 इंच चौड़ी और 3.5 इंच लंबी होती है। 10 योनि क्षेत्र के आसपास के बाल केवल 3 सप्ताह तक बढ़ते हैं, हालांकि एक व्यक्ति के सिर के बाल 7 सालों तक बढ़ते रहते हैं। 11 योनि भी स्तन घुटनों और नितंबों की तरह ढीले होकर लटक सकती है। गर्भावस्था, प्रसव, आयु, हार्मोनल परिवर्तन, आनुवांशिकी और गुरुत्वाकर्षण से योनि ढीली हो जाती है। 12 योनि का पीएच लेवल यानी एसिड आधार संतुलन 4 है, जो शराब, टमाटर और बियर के बराबर है। 13 पैदा होने वाली 2000 लड़कियों में एक बच्ची ऐसी होती है जिनकी योनि में मासिक धर्म के प्रवाह हेतु कोई छिद्र नहीं होता, बाद में इसे सर्जरी के द्वारा करवाना होता है। 14 लगभग 30% महिलाओं को चरम सुख की अनुभूति तुरंत हो जाती है। अन्य शोधकर्ताओं का दावा है कि योनि का चरम सुख और भग्नावस्था का चरम सुख पूरी तरह से अलग अलग है, दोनों मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करते हैं। 15 इतिहास में सबसे बड़ी योनि अन्ना स्वान की मानी जाती है। वह 7 फीट और 5 इंच लंबी थी और उनका वजन 350 पाउंड था। उन्होंने एक 23 पाउंड के बच्चे को जन्म दिया।